मायसेल्फ उमंग लाटा एंड आप सभी का विद्या भारती की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो केमिस्ट्री का अपन चैप्टर अपन ने पिछले वीडियो के अंदर शुरू किया था सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको यानी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ठोस क्या होते हैं, पदार्थ क्या होता है ना। पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिस पर कोई द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। तीन उसकी जो फॉर्म होती है, तीन अवस्थाएं होती है उसकी, ठोस द्रव गैस, तीनों के अपन ने सिंपल सिंपल मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। ठोस क्या होता है वो बताया था कि वह कोई भी वस्तु या वह पदार्थ की अवस्था जिसमें उसके अवयवी कणों के बीच में अत्यधिक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसको अपन ने नाम दिया था अंतराणविक आकर्षण बल। और दूसरा उनके बीच में यानी कि उसके जो अवयवी कण है, कोई भी चाहे अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे वो ठोस मिलकर के बना हुआ है, उनके बीच में अल्पतम या लघुतम दूरियां होती है। ये अपन ने उसकी डेफिनेशन दी थी। दो एक चीज मैंने बताई थी कि उसके जो परमाणवी है कि ये जो फॉर्म चेंज होना, जैसे कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये कैसे होता है, तापमान की विभिन्न परास्पर होता है। दो कारक इसको प्रभावित करते हैं, एक तो अपना अंतराणविक आकर्षण बल इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा होता है ऊष्मीय ऊर्जा। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है तथा अंतराणविक आकर्षण बल घटता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस में जो है पदार्थ किस तरह से जाते हैं वो अपन ने आज अपन देखेंगे कि ठोसों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। ठोस होते हैं उनके कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ तो आप जानते हैं, कुछ एक दो चीजें नहीं है जो अपन एक्सप्लेन करेंगे। कुछ पिछले वाले के अंदर अपन एक्सप्लेन कर चुके थे, उन्हीं को कंक्लूड करके थोड़ा सा अपन लिखने जाएंगे। पहली चीज, पहला, ठोसों का आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि उसका आकार, जैसे ये डस्टर है तो उसका ये आकार भी निश्चित है, उसका द्रव्यमान भी निश्चित है कि इसका वेट क्या है। ठीक है, और दूसरी चीज, इसका आयतन भी निश्चित है। किसी भी बॉल में डालो, किसी भी पात्र में इसको डालो, इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं हुई। दूसरी चीज, ठोसों में अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। ये तो अपन कल देख चुके हैं कि अणुओं के बीच में, जैसे ये मान लीजिए ठोस है, ठीक है, ये मान लीजिए ठोस है, तो इसके बीच में इसके जो अंतराणविक आकर्षण बल है, ये इसका जो अणुओं के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हाईएस्ट होता है या सबसे प्रबलतम होता है। ठीक है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है द्रव में, तो इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होता जाता है, और गैस में इससे भी कम होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अवयवी कणों के बीच की दूरियां लघुतम होती है। बिल्कुल, ये तो अपन ने कल ही देखा कि जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा एक दूसरे को, अणु उतनी ही प्रबलतम या उतनी ही अच्छी तरीके से एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण दूरियां लघुतम होंगी या दूरियां अल्पतम होती है या सूक्ष्मतम होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो, ठोस जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि असंपीड्य होते हैं तथा कठोर होते हैं। जो असंपीड्य मतलब संपीड्यता क्या होता है, संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी, किसी को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये डस्टर है, इसको आप एक सीमा तक कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हम थोड़ा मारकर तोड़ दो। कंप्रेसिबिलिटी वो नहीं होती है, कंप्रेसिबिलिटी वो होती है कि अगर आप इसके ऊपर हाथ रखो तो ये अपने शेप में चेंज करे, या इसकी ऊपर वाली सतह जो थोड़ी सी दब जाए, और उसके बाद में हाथ हटाते ही वो वापस, ये वो प्रेशर जो आपने लगाया है वो हटाते ही वापस अपनी शेप में आ जाए। थोड़ा लाके करोगे तो ये टूट जाएगा, थोड़ा हटाने के बाद में वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्रेशर नहीं, एक सीमा तक, एक लिमिटेशन तक जो प्रेशर आरोपित किया जाए, उसको हटाने के बाद में जो है इसकी अगर वापस से, तो वो कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, और इसके अलावा कहते हैं कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी गुण पाया नहीं जाता, लचीलापन भी इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का भी गुण पाया नहीं जाता, ये कठोर होते हैं। ऑब्वियसली बात है, कठोर जो है ठोस कठोरी होते हैं, क्योंकि इनमें अंतराणु का आकर्षण बल अत्यधिक पाया जाता है। इसके अलावा देखो, एक पॉइंट ये नया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ये किस तरह से है थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट है कि अवयवी कणों की जो स्थितियां हैं निश्चित होती है, बिल्कुल निश्चित होती है। क्यों निश्चित होती है अपन अभी समझेंगे इसको, तथा ये अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करते हैं। ये नया वर्ड है, दोलन क्या होता है, दोलन जानते हो ना, जैसे मंदिर में जाते हो तो वो जो घड़ी का घंटा दबाते हो ना, ऐसे मंदिर के अंदर, तो वो घंटी ऐसे पहले आगे जाती है, फिर पीछे जाती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, तो वो है दोलन गति। ठीक है, इसी तरह से ये जो, या फिर किसी भी चर्च गेट के बाहर लगा हो घड़ी का पेंडुलम, ठीक है, तो वो भी दोलन गति करता है ना। तो इसी तरह से ये जो अवयवी कण है, देखो इस तरह से अवयवी तीन तरह के, या फिर ये जो इस क्रिस्टल के अंदर, इस ठोस के अंदर अपन ने अवयवी कण ले रखे हैं। अब इसके अंदर अवयवी कणों के अंदर मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर
कोई भी तीन बेसिकली अवयवी कण यहां से देखिए यहां पर आ जाते हैं, कोई भी तीन बेसिकली है ना, समझने के लिए कोई भी तीन अवयवी कण मैं यहां पे लेके आ जाता हूं। अब देखो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स जो अंतरणिक आकर्षण बल है उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे, ये वाला अणु जो है, ये वाला जो अणु है ये इससे आकर्षित होगा, ठीक है, ये वाला अणु इससे आकर्षित होगा तथा ये वाला जो है वो इससे आकर्षित होगा, दोनों एक दूसरे से समान रूप से आकर्षित होंगे। इसी तरह से ये वाला जो अणु है इससे आकर्षित होगा और ये वाला जो अणु है वो इससे आकर्षित होगा, दोनों समान रूप से आकर्षित होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है इनके ऊपर जो नेट लगने वाला जो बल है वो एकदम स्थिर हो जाता है, नियत हो जाता है, शून्य हो जाता है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। लेकिन इनकी जो स्थितियां हैं वो क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। भाई समान बल इधर रख रहा है, समान बल इधर रख रहा है, समान बल कोई ऊपर वाला अणु भी लगाएगा, समान बल कोई नीचे वाला अणु भी लगाएगा, समान बल कोई इधर वाला अणु भी लगाएगा, इधर वाला अणु भी लगाएगा। तो चारों ओर से लगने वाला जब बल समान होता है तो ये जो अणु है इनकी स्थितियां निश्चित होती है, लेकिन जो बल तो लग रहा है ठीक है, लेकिन नेट बल यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि नेट बल तो जीरो हो जाता है, इसके कारण ये अपनी जो माध्य स्थिति है ये वाला कण अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर इस तरह से क्या करने लग जाता है, दोलन करने लग जाता है। लेकिन इर्द गिर्द दोलन का मतलब यही होता है कि नेट बल जो जीरो है और अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर क्या करने लग जाता है, इर्द गिर्द वो दोलन करने लग जाता है, लेकिन नेट जो इसकी स्थिति है वो क्या रहती है, निश्चित रहती है। तो आपको यहां से याद क्या रखना है कि अवयवी कणों की स्थिति तो निश्चित होती है क्योंकि समान रूप से आकर्षण बल चारों तरफ से लगता है, लेकिन वो नेट जो बल है या फिर जो चारों तरफ से लगने वाला जो बल समान है इसके कारण वो अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करने लग जाती है। दोलन गति जो है ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो या पढ़ोगे ठीक है, तो उसमें आप डिटेल से बताए जाएंगे। खैर हमको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि चारों तरफ से जो बल है ना वो समान है, चारों तरफ से समान रूप से आकर्षित हो रहा है, तो जो नेट बल है वो जीरो है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो माध्य स्थिति के चारों ओर जो है वो अपने जो कण है वो क्या करेंगे, दोलन करेंगे, ठीक है। तो इस आधार पर अगर ये पांच गुणधर्म इसके कह सकते हैं, छठा गुणधर्म भी मैंने बताया कि जो ठोस होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, छठवां भी लिख सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का गुण जो है, फ्लेक्सिबिलिटी का जो गुण है वो इनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ठोसों के गुणधर्म हो गए। नेक्स्ट जो है अपने पास टॉपिक, उसके अंदर एक टॉपिक आता है कि मैं थोड़ा सा उसको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन या उसका थोड़ा सा जनरल आइडिया देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन उसको डिटेल में देखेंगे। ठोसों के प्रकार, ठीक है, ठोसों के प्रकार अवयवी कणों की स्थितियों के आधार पर, अवयवी कणों की स्थितियों के आधार पर ठोसों के प्रकार या अवयवी कणों के मध्य जो पाया जाने वाला आकर्षण बल है, आकर्षण बल के आधार पर भी उनके प्रकार देखेंगे। इसके अलावा अवयवी कण कौन से हैं उसके आधार पर भी उनका प्रकार देखेंगे। तो पहला जो ठोसों का प्रकार है वो किस आधार पर है कि ठोस में जो अवयवी कणों की ज्यामिति कैसी है और उसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका गलनांक कैसा है, उनकी ज्यामिति कैसी है, ठीक है ना। इसके अलावा उनमें किस प्रकार का अरेंजमेंट अवयवी कणों का पाया जाता है, उस आधार पर ठोस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली अवयवी कणों की ज्योमेट्री के आधार पर ठोसों का दो प्रकार से वर्णन किया जाता है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस ज्यामिति निश्चित रहेगी, सिंपल सिंपल एक बता रहा हूँ, अवयवी कणों की अक्रिस्टलीय ठोस में जो है ज्यामिति है वो निश्चित नहीं रहेगी। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं अमोर्फस, अमोर्फस सॉलिड, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और जिसका मतलब होता है निश्चित नहीं, और ये होता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अपन को इस पूरे चक्कर में सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ने होते हैं, ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोसों का भी आगे वर्णन, आगे जो है वो वर्गीकरण किया जाता है अवयवी कणों के आधार पर तथा उनके मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर, ये पर वन बाय वन करके पढ़ेंगे। और क्रिस्टलीय ठोस यहाँ से अपने पास में चार तरह के होते हैं, एक तो होता है कोई मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है, एक तो होता है कोई मॉलिकुलर सॉलिड, एक होता है कोई आयोनिक सॉलिड, ठीक है, और इसके अलावा एक होता है कोई मेटेलिक सॉलिड और एक होता है कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है, इसको अपन नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड बोले तो आणविक ठोस, आयोनिक मतलब आयनिक ठोस
और इसके अलावा मेटेलिक बोले तो धात्विक ठोस, और कोवेलेंट बोले तो सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजकबंध के द्वारा, है ना। ग्रेफाइट और हीरा इसके एग्जांपल होते हैं, कोई भी धात्विक ठोस, और ये आयनिक ठोस कोई भी आयनिक यौगिक, और मॉलिक्यूलर ठोस या फिर जो आणविक ठोस है उसमें कोई भी अणु जैसे H2 हो गया या शुष्क बर्फ हो गई, ठीक है, अमोनिया हो गई, तो ये इसमें आते हैं, ठीक है। और इनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ से तुमको जो बात ठोसों के प्रकारों में ध्यान रखने की, ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इनको अपन पढ़ेंगे, इनके गुणों को पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिस्टलीय ही पूरे चैप्टर में पढ़ने होते हैं, उसके आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं, कौन सा बंध इसमें पाया जाता है, कौन से अणु या अवयवी कण इनमें पाए जाते हैं, उसके आधार पर ये चार प्रकार के, ठीक है। तो पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो आज के लिए तो बस इतना ही, ये ठोसों के जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स थे आज अपन ने वो देखे, ठोसों के प्रकार कौन से होते हैं वो देखे। एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो टॉपिक होता है थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, और क्या क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं वो भी अपन देखेंगे। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और वो लगभग 80-90% एग्जाम में पूछा जाता है। सो ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में। थैंक यू।